हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो जीएसटी लॉ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इवन प्रैक्टिकली जो लोग जीएसटी के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एंड द टॉपिक इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है उसका थोड़ा बेसिक हम समझ लेते हैं और फिर उसके बेसिस पे जो मेन प्रोविजन मैं टारगेट कर रहा हूँ इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। इनपुट टैक्स का बहुत सिंपल सा मीनिंग है। आप एक ट्रेडर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज मिस्टर ए है, ये क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी लग रहा है। अब मिस्टर ए के लिए जो चीज रॉ मटेरियल है वो किसी और के लिए एक फिनिश गुड्स के बराबर है जो उसको सेल कर रहा है, तो वो तो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेगा। अब आप अगर मिस्टर ए हैं तो आप जो भी रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब ये जो जीएसटी आपने पे किया है दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके लिए इनपुट टैक्स माना जाएगा। ठीक है, अब ये इनपुट टैक्स आपने पे कर दिया, क्या ये आपके कॉस्ट का पार्ट बन गया या ये आपको रिफंड मिलेगा? बिकॉज जनरली इट इज सेड कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मींस जो कंज्यूम करेगा वो टैक्स भरेगा। लेकिन आप तो रॉ मटेरियल इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आप एक फिनिश प्रोडक्ट बना के आगे कस्टमर्स को सेल कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या आगे ट्रीटमेंट होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को, उस रॉ मटेरियल को यूज करके आप एक फिनिश गुड्स बनाएंगे, उस फिनिश गुड्स को आप कस्टमर को सेल करेंगे। जब आप कस्टमर को फिनिश गुड सेल करेंगे तो उस पे भी जीएसटी टैरिफ के हिसाब से आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे। अब जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया दैट जीएसटी विल बी द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड ऑन सप्लाई, और जो रॉ मटेरियल पे आपने जीएसटी पे किया था दैट वाज इनपुट टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज सप्लाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि आप एक इंटरमीडियरी हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज भी करते हैं, फिनिश गुड सेल भी करते हैं, आप इनपुट टैक्स कलेक्ट भी करते हैं, आप आउटपुट इनपुट टैक्स पे भी करते हैं और आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी आपने इनपुट टैक्स पे किया है दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ योर कस्टमर, वो आपकी पॉकेट से नहीं जाना चाहिए। अगर जा भी रहा है ना तो वो टेम्परेरीली आपकी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अब ये होगा कि जो आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, सपोज एक एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं, आपने रॉ मटेरियल परचेज किए वर्थ ₹1,00,000, आपने उसके ऊपर जीएसटी पे किया एट द रेट ऑफ 5%, तो कैश में आपका ₹5,000 का जीएसटी चला गया विच इज नाउ योर इनपुट टैक्स पेड। ठीक है, अब जब आप फिनिश गुड सेल करेंगे तो सपोज आपने फिनिश गुड्स को सेल किया ₹2,00,000 में और इसकी जो कैटेगरी है जीएसटी टैरिफ के हिसाब से दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12%, तो ₹2,00,000 पे जो जीएसटी कलेक्ट हुआ होगा दैट इज 24,000। अब ये 24,000 जो आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट किया है क्या पूरा गवर्नमेंट को जाके पे कर देंगे, वेदर इट इज सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी वॉट एवर द केस में भी? लेकिन आप पूरा पे नहीं करेंगे, आप ये बोलेंगे कि भाई मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कंज्यूमर तो हूं नहीं, तो फिर जीएसटी मेरे पॉकेट से क्यों जा रहा है? तो भाई जितना भी आउटपुट टैक्स मैंने कलेक्ट किया है ₹24,000, मैं पहले उसके ऊपर उसमें से अपना कॉस्ट बाहर निकाल लूंगा जो इनपुट टैक्स बर्डन मुझ पे आया है। तो आप क्या करेंगे, वो ₹5,000 24,000 में से अलग कर लेंगे, बाकी के जो ₹19,000 बचे वो 19,000 आप जाके सुटेबल गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अब ट्रांजेक्शन अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होगा, हाफ ऑफ हो जाएगा 19,000/2, और अगर ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट था तो पूरा फंड आईजीएसटी को जाएगा दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आप अपना अमाउंट पे कर देंगे। इन शॉर्ट वो ₹5,000 जो आपने पे किए थे उसका आपको क्रेडिट मिल गया, वो आपकी पॉकेट से नहीं गया। तो ये कॉमन प्रोविजन है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखते हैं कि क्रेडिट लेना एक्चुअली में है क्या। अब क्रेडिट मिलेगा तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सेक्शन 16 में बताई हुई है अलग अलग सबसेक्शंस में। आज इस वीडियो में जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं का मतलब, सपोज हम जब भी जिस मंथ में इनपुट टैक्सेस पे करते हैं, सपोज आपने एक मंथ एग्जांपल ले लेते हैं, आपने पे किया इन द मंथ ऑफ अगस्त 2018। ठीक है, 2018 में अगस्त में आपने कुछ इनपुट्स रॉ मटेरियल्स परचेस किए जिसपे आपने जीएसटी भरा और वो आपका इनपुट टैक्स बन गया। अब ये जीएसटी का क्रेडिट आपको लेना होता है सितंबर मंथ में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं अगस्त मंथ का जो रिटर्न है वो सेक्शन 39 के हिसाब से सितंबर मंथ में फाइल होगा, दैट इज द थर्ड रिटर्न GSTR 3B, उसका अभी फॉर्म नंबर है, और आपको 20th डेट तक भरना होता है अगले महीने। तो दैट मीन्स अगर अगस्त का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं
तो इट इज टू बी सबमिटेड बाई 20th September। तो 20th September को जो आप रिटर्न भरेंगे ऑन और बिफोर दैट डेट, उसमें आप ये अमाउंट का क्रेडिट ले लेंगे। बाई चांस आप क्रेडिट नहीं ले पाए, उसका रीजन क्या है कि आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, सेल्स नहीं हुए पिछले महीने या कम हुए, और पूरा अमाउंट आपका सेट ऑफ नहीं हो पाए। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो क्रेडिट अनअवेल्ड रह गया या अनयूटिलाइज रह गया, वो आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करके अगले महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने ये अक्यूमुलेटेड अमाउंट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगस्त के बाद सितंबर का जब रिटर्न भरेंगे अक्टूबर में, तब सेट ऑफ कर लेना। तभी भी नहीं हो पाया तो सितंबर के बाद अक्टूबर का रिटर्न होगा, नवंबर में भरेंगे उसमें सेट ऑफ कर लेना। तो दिस विल गो ऑन। अब ये कब तक इस तरीके से चलता रहेगा, इसके लिए उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए। दैट रिस्ट्रिक्शन इज गिवन इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट 2017। तो आप जब ये एक्ट देखेंगे, प्रोविजन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि दो कंडीशंस फॉलो होती, दो कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। उस हिसाब से विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर डेट आएगी उस डेट को लास्ट ड्यू डेट माना जाएगा, जब तक आपको एक पर्टिकुलर मंथ का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है, देख लेते हैं किस तरीके से सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 काम करता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मंथ के इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक कैरी फॉरवर्ड करने को आपको मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया August 2018 में। ठीक है, अब इसके लिए पहले आपको एक कंडीशन में ये देखना है, फर्स्ट कंडीशन में कि August 2018 कौन से फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर 18-19। फाइनेंशियल ईयर 18-19 को बिलोंग करने वाला मंथ अगस्त, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, दैट इज 31st March 2019, उसके बाद जो पहला सितंबर आएगा, दैट विल बी September 2019। ठीक है, अब ये September 2019 का मंथली रिटर्न जो हम सेक्शन 39 के हिसाब से फाइल करते हैं, उसकी लास्ट डेट कौन सी होगी, दैट विल बी 20th October। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी महीने में हम जो रिटर्न फाइल करते हैं, किसी भी मंथ का हम जो रिटर्न फाइल करते हैं, वो नेक्स्ट मंथ में फाइल होता है। सेक्शन 37 में आउटवर्ड सप्लाईज का रिटर्न, सेक्शन 38 में इनवर्ड सप्लाईज का रिटर्न, और तीसरा होता है मंथली रिटर्न, दैट इज सेक्शन 39, जो GSTR 3B फॉर्म में अभी हम फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न आपको लेट में लेट 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल कर देना होता है। तो अगर सितंबर 2019 की हम बात कर रहे हैं एग्जांपल में, तो उसका मंथली रिटर्न सेक्शन 39 में हम फाइल करेंगे बाय ड्यू डेट बाय 20th October। ठीक है, तो अगर अगस्त 2018 का क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं, तो दैट मंथ बिलोंग्स टू FY 18-19। FY 18-19 के बाद जो पहला सितंबर आएगा, ये सितंबर क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि एक्ट में लिखा है। ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको सितंबर मंथ ही लेना है। तो ये मैं अपने मन से आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ इसे सितंबर लेना है या रैंडमली अज्यूम कर लिया, ये एग्जांपल नहीं है, ये स्टैटिक कंडीशन है। ठीक है, तो सितंबर 2019 की जो मंथली रिटर्न की डेट है 20th October 2019, ठीक है, जो अभी रिसेंटली गई है, तो दैट डेट विल बी द फर्स्ट रेलेवेंट डेट जो आपको इस सेक्शन के लिए फॉलो करनी। ठीक है, क्लियर हो गई कंडीशन। इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, दैट सेकेंड कंडीशन डिपेंड्स अपॉन फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। जीएसटी में आप हर महीने सेक्शंस के हिसाब से 3 रिटर्न्स फाइल करते हैं, और ऐसे पूरे साल के 36 रिटर्न्स तक हो सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट आपसे 36 रिटर्न्स फाइल नहीं करवा रही है, कुछ एग्जेम्पशंस हैं इसमें। ठीक है, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो पूरा साल खत्म होने के बाद आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, उसका भी प्रोविजन है, दैट इज द 37th रिटर्न। अगर आप इन टोटल टैली गिने तो पूरे साल का फिर आपको समराइज डेटा फिर से उस रिटर्न में फाइल करना है। अब वो जो एनुअल रिटर्न है उसको फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है, दैट इज 31st December आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आपका FY जैसे 18-19 था इस एग्जांपल में, तो 31st December 2019 विल बी द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। अब यहाँ पे हमें सेकेंड रेफरेंस डेट वो ड्यू डेट को नहीं लेना, सेकेंड रेफरेंस डेट हमें लेनी है वो डेट जो आपकी एक्चुअल डेट है ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, इट मे बी ऑन और बिफोर 31st December 2019। अब यहीं पे वेरिएशन आएगा, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट कंडीशन स्टैटिक है, 20th October 2019 इस केस में फिक्स हो गया, बट सेकेंड कंडीशन में जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट है, वो रिटर्न फाइलिंग आपके हाथ में है कि आप उसको कौन सी डेट पे करते हैं। अब रैंडमली आप कोई भी डेट्स लेके इसको चेक कर सकते हैं। सपोज आपने रिटर्न फाइल कर दिया 5th November 2019 को, तो रेफरेंस डेट विल बी 20th October 2019 जो हमने फर्स्ट कंडीशन में देखी, और 5th November 2019 जो हमारी इस कंडीशन से डेट क्रिएट हुई, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर।
तो कौन सी डेट आएगी 20th October 2019। सपोज मैं बोलता हूँ कि एनुअल रिटर्न तो हमने जल्दी फाइल कर दिया था, हमने तो 15 अगस्त को ही फाइल कर दिया 2019 में, तो 15th August 2019 कंपेयर्ड विद 20th October 2019, दोनों में से सिलेक्ट कौन सा होगा विच एवर इज अर्लियर अगेन, तो यहाँ रेफरेंस डेट बन जाएगी 15th August 2019। क्लियर? तो पहली कंडीशन कौन सी हो गई, जिस मंथ की हम बात कर रहे हैं जिसका क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करना है, वो मंथ जिस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद जो पहला सितंबर आएगा वो लेना, उस सितंबर की मंथली रिटर्न फाइलिंग की डेट। थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो आप कंडीशंस पे एक एक करके ध्यान देना। तो यहाँ पे डेट आती है 20th October ऑफ द फॉलोइंग ईयर, और दूसरी रेफरेंस डेट आपकी एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट ऑफ दैट ईयर, मतलब जो एनुअल रिटर्न है उसकी एक्चुअल फाइलिंग की डेट, ये दोनों में से आपको कंसिडर करना है विच एवर इज अर्लियर। उस डेट तक आपका जो भी रिटर्न फाइल होगा उसमें आपको ये क्रेडिट ले लेना है। अगर आप तब तक भी इसका क्रेडिट पूरा सेट ऑफ नहीं कर पाए तो फिर आगे अगले महीने से वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा और वो क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये इस तरीके से काम कर रहा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि ITC किसी भी पर्टिकुलर मंथ के इनवॉइस का आप कब तक ले सकते हैं, कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाए, चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो या MCQ हो या किसी भी पैटर्न का एग्जाम हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ इंस्टीट्यूट जो है ICAI ICSI है, जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, ICMAI है, ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे इस प्रोविजन को इंटरप्रेट करके अप्लाई करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको ईजी हो गया होगा किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। और भी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डेट्स आपके माइंड में आती हो कि ये कॉम्बिनेशन होगा तो क्या, तो मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आप एक बार अपना जो भी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? और कोई क्वेरी हो और भी रिगार्डिंग दिस सेक्शन तो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो देखने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने GST और कंपनी लॉ के वेरियस टॉपिक्स पे अपलोड किए हुए, तो अगर आप देखना चाहें तो उनको भी टॉपिक्स को व्यू कर सकते हैं। पेज को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और जो बेल आइकन है उसको हिट करके रखना ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और जितने भी रेफरेंसेज है आप उससे ले सकते हैं। ये वीडियो में जो ये प्रोविजन है आपके नवंबर दिसंबर 2019 के सब प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए ये वैलिड है, एप्लीकेबल है और अपडेटेड। आगे के वीडियोज़ में मैं फिर 2020 के मई जून के एग्जाम्स के लिए भी अमेंडमेंट्स अपलोड करता रहूँगा, तो आप उसको भी आगे जाके व्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप पेज को फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।